नमस्कार दोस्तों, फोटो वाले की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आप बिना फोटो निकाले ही जान सकेंगे कि आपका फोटो अंडर एक्सपोज होने वाला है, ओवर एक्सपोज होने वाला है कि प्रॉपरली एक्सपोज होने वाला है। तो इस वीडियो का अंत तक देखे रहिए और जानिए इस हमारे कैमरे के एक्सपोजर मीटर के बारे में। बहुत बार देखा रहेगा कि क्रिकेट के मैदान में अंपायर कभी कभी बीच में खेल रोक देते हैं और एक मीटर निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि मैदान में लाइट बराबर है कि नहीं, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कितनी है, वो सब देखते हैं और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आगे खेल जारी रखना है कि नहीं। तो वो जो मीटर रहता है उनके पास, उसको कहते हैं लाइट मीटर। या फिर अपने अलग अलग फोटोग्राफर्स को देखते रहेगा, जो पुराने फोटोग्राफर्स है, जो एल्डर फोटोग्राफर है, वो हमेशा लाइट मीटर यूज़ करते हैं उनके साथ और देखते हैं कि अपर्चर शटर स्पीड क्या रखना चाहिए कि नहीं। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि पहले ज़माने में फ़ोटो निकालो और स्क्रीन पे देखा ऐसा नहीं होता था, फिल्म रोल यूज़ करते थे। तो हमें प्रॉपर एक्सपोजर है कि नहीं वो देखने के लिए वो एक अलग से मीटर का यूज़ करते थे। और आजकल के डिजिटल कैमरे में इनबिल्ट एक मीटर दिया रहता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपोजर मीटर, जो हमें बताता है कि आपका फ़ोटो ये कैमरे के सेटिंग्स के ऊपर परफेक्टली एक्सपोज होगा, अंडर एक्सपोज होगा कि ओवर एक्सपोज होगा। तो लेकिन क्या है दोस्तों कि इस मीटर के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है अभी, क्योंकि क्या है फ़ोटो निकाला, देखा कि अरे डार्क आ रहा है, सेटिंग्स चेंज कर दिए और वापस से एक्सपोजर प्रॉपर कर लिया। तो आपके व्यू फाइंडर के नीचे आपको एक लाइन दिखती रहेगी ऐसे डॉट 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 वाली, या फिर आप जब स्क्रीन पे देखते तो एक नीचे लाइन आती रहेगी जिस पर एक कर्सर हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। एक बाजू में -2 लिखा हुआ रहेगा, एक एंड पे +2 लिखा हुआ रहेगा और सेंटर में 0 लिखा रहेगा। और एक जो पॉइंटर है वो हमेशा उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो घूमता रहेगा ही, जैसे आप कैमरे को मूव करेंगे वो घूमता ही रहेगा। तो वो पॉइंटर क्या रहता है कि हमें बताता है कि हाँ आपके कैमरे के सेटिंग्स पे आपको ये रीडिंग मिल रही है, ये मीटरिंग है आपके कैमरे में, इतनी लाइट ही आ रही है आपके कैमरे में ये सेटिंग्स पे। तो अगर वो पॉइंटर करेक्ट 0 के नीचे रहेगा तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी फ्रेम प्रॉपरली एक्सपोज होने वाली है, यानी कि आपके सेटिंग्स परफेक्ट, आपके सेटिंग्स बराबर है एकदम। अगर समझो वो पॉइंटर -1 या फिर -2 की साइड पे गया है तो मतलब आप समझ लो कि आपकी इमेज थोड़ी अंडर एक्सपोज आने वाली है, थोड़ी डार्क आने वाली है। और वो कितनी डार्क आएगी कि अगर -1 के साइड पे है तो मतलब एक स्टॉप डार्क आएगी, अगर -2 तक गया है मतलब वो 2 स्टॉप डार्क आएगी। उसी प्रकार से अगर वो कर्सर या फिर वो पॉइंटर +1 की तरफ जा रहा है, फिर +2 की तरफ जा रहा है, तो आपकी इमेज ओवर एक्सपोज हो रही है। +1 मतलब एक स्टॉप ओवर एक्सपोज हो रही है और +2 मतलब वो 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज हो रही है। तो इस प्रकार से आप कैमरे में फ़ोटो निकालने से ही पहले आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपकी फ़ोटोज़ ओवर एक्सपोज आने वाली है कि अंडर एक्सपोज आने वाली है, जिसके वजह से आपका शूटिंग टाइम बचेगा और आपका फ्रेम्स भी कम रहेगा। एक्सपेरिमेंट्स करने में टाइम आपका कम लगेगा कि अरे अंडर आ रहा है, ओवर आ रहा है, उससे अच्छा वो मीटर में ही देख के क्रिया कर सके। हाँ दोस्तों, लेकिन ये जो मीटरिंग है ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल लाइट के लिए क्लैम कर दे। जिस वक्त आप एक्सटर्नल फ्लैश या फिर स्टूडियो फ्लैश लाइट लगाते हो तो इस मीटर का कुछ उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो काउंट नहीं कर पाता है कि फ्लैश से कितना लाइट आएगा। अगर आप TTL पे यूज़ कर रहे हो फ्लैश को तो ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर पाता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फ्लैश लाइट है तो वो ये जज नहीं कर पाता है कि वो फ्लैश से कितनी लाइट आएगी और हमें क्या एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, अगर कंटिन्यूस लाइट सोर्स है जैसे अपना वीडियो की लाइट्स वगैरह है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लैश लाइट अगर एक्सटर्नली आप लगा रहे हो ट्रिगर वगैरह लगा के, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये आपको गलत ही रीडिंग बताएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि फ्लैश में से कितना पावर आ रहा है। तो दोस्तों, ये एक फ़ीचर को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फ़ोटो निकालने से पहले इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा एक्सपोजर मीटर के ऊपर, और आपका टाइम और फ्रेम बचाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।